नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि KU बैंड 2 फुट के डिश एंटीना पूरे इंडिया में कौन कौन से सैटेलाइट की लोकेशन और फुटप्रिंट आपके यहां पर अवेलेबल है और आप उनका यूज कर सकते हैं, चैनल देख सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का जरूर बटन दबा दें, वो नीचे मिल जाएगा आपके लिए। तो बात करते हैं कि आपके पास एक फ्री सेट टॉप बॉक्स है फ्री डिश का, और आप चाहते हैं कि हमारे फ्री डिश के अलावा और दूसरे चैनल भी आ जाएं, कुछ विदेशी चैनल या फिर कोई दूसरे सैटेलाइट के अलग चैनल, तो आप किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए KU बैंड जो कि LNB हमारी लगी हुई रहती है फ्री डिश में, वो आप कौन कौन से सैटेलाइट यूज कर सकते हैं उस सेट टॉप बॉक्स और उस छतरी से, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा छतरी लगवा सको और स्विच लगाकर आप और सारे सैटेलाइट एक साथ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा एक फ्री डिश ही है जिस पर फ्री टू एयर चैनल चलते हैं। अब बात करते हैं कि और कौन सा सैटेलाइट है जिस पर आप चला सकते हैं, तो वो है दोस्तों हमारा 70 ईस्ट पर सैटेलाइट है, वो चला सकते हैं। उस पर आपको कम से कम 20 चैनल आपको मिल ही जाएंगे, 20 चैनल के आसपास। तो उस पर फ्री टू एयर कुछ रशियन चैनल भी चलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अब सेकंड बात करें कि और कौन सा फ्री टू एयर है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास 2 फुट पर अगर फ्री टू एयर है तो 42 ईस्ट है, तो वो सभी लोकेशन पर तो नहीं है, लेकिन आप वो भी चला सकते हैं। अगर इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो 25 ईस्ट हमारा चल रहा है ज़्यादातर इंडिया में, बहुत से राज्यों में आप चला सकते हैं 25 पर, जहां पर आपको अरबी भाषा वगैरह के चैनल भी मिल जाएंगे, वो भी 2 फुट के डिश एंटीना पर, और बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लगभग आपको 150 चैनल के आसपास मिलेंगे। यहां सेट भी चला सकते हैं अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, मान लीजिए यूपी के ऊपर रहते हैं, पंजाब साइड या फिर जम्मू कश्मीर तरफ आप कहीं के ऊपर भी रहते हैं उस तरफ, तो आप यह सेट चला सकते हैं। उस पर HD चैनल, नॉन HD चैनल, बहुत सारे चैनल हैं आपके, 200-300 चैनल प्लस हैं आपके, फ्री टू एयर हैं सारे के सारे चैनल। आप एक डिश एंटीना अलग से लगाकर, स्विच लगाकर आप वो सैटेलाइट भी चला सकते हैं अगर उस एरिया में आप रहते हैं तो। इसके बाद और सैटेलाइट कौन से हैं, और सैटेलाइट दोस्तों हमारा 7 ईस्ट भी है, लेकिन उस पर चैनल कम चलते हैं, क्योंकि हर लोकेशन पर तो नहीं चलते हैं, लेकिन उस पर भी चलते हैं। और बात करें 138 ईस्ट पर, वो भी चल जाता है, लेकिन उस पर भी कम चैनल है। और हमारा 75 ईस्ट है जिस पर हमारा पहले एयरटेल था उस पर, तो उस पर भी फ्री टू एयर है, उस पर फ्री टू एयर चैनल अगर हम देखें तो लगभग 20 चैनल के आसपास उस पर फ्री टू एयर है। तो बिना कुछ किए ही आप केवल एक डिश एंटीना को सेट करके और एक स्विच लगाकर भी ये सैटेलाइट का आनंद ले सकते हैं। आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर रहते हैं, तो अगर आपको नहीं है पता तो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, flysat.com पर जो मैंने सैटेलाइट बताए हैं उन सैटेलाइटों को सर्च कर सकते हैं, फुटप्रिंट देख सकते हैं आपकी लोकेशन में वो फुटप्रिंट है अवेलेबल या नहीं है, या sadbeam.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, sadbeam.com पर। तो इस तरह से कुछ वेबसाइटें हैं जिन पर आप जाकर आप देख सकते हैं कि आपके लोकेशन पर वो फुटप्रिंट अवेलेबल है, मतलब सैटेलाइट की लोकेशन, आपके यहाँ पर सिग्नल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलती हैं उस सैटेलाइट के सिग्नल, तो आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल कुछ चीज़ें जुगाड़ तुगाड़ करके ही चला सकते हैं बहुत से चैनल, आप इस तरीके से चला सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा डिश एंटीना है तो फिर तो बात ही अलग है, आप सी बैंड पर तो बहुत सारी सैटेलाइट हैं जिन पर आप बहुत सारे चैनल देख सकते हैं बहुत इजीली से। तो नेक्स्ट वीडियो आपको सी बैंड के बारे में बताऊंगा जानकारी कि कौन कौन से सैटेलाइट हैं जो हमें देखना चाहिए और उन पर अच्छे चैनल मिलते हैं। तो जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, वो तो कर ही दिया होगा आपने, अच्छा लगा हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना दोस्तों।